Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Snovia Kashif, lecturer in statistics at Concordia College, Sahiwal. Today's our topic is data, primary data and its sources, secondary data and its sources. So let's start with the basic definition of data. It can be defined as the collection of observation in any field of study. Basically, हम जो अपनी observation या अपनी मुशाहिदात की collection करते हैं, चाहे वो किसी भी field of study में करें, वो collection actually हमारे पास क्या होती है? Data. For example, the record regarding the student at the time of admission may consist of age, gender, marks, hobbies, etc. Such recorded observation are known as data. For example, आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें आपकी एज पूछी जाती है, आपकी जेंडर पूछी जाती है, मार्क्स पूछे जाते हैं, आपकी हॉबीज पूछी जाती हैं, और भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है. तो जो इंफॉर्मेशन आप फॉर्म पे पुट करते हैं वो एक्चुअली रिकॉर्ड कॉलेज के पास क्या होता है? आपका डेटा. तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी. हम जो भी कलेक्शन करते हैं चाहे किसी भी फील्ड में करें वो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है? डेटा. इन दिस लेक्चर वी विल लर्न डेटा एंड टू टाइप्स ऑफ डेटा एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. द फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा. इट कैन बी डिफाइंड एज द डेटा डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स. ऐसा डेटा जो इसके सोर्स से आप डायरेक्ट कलेक्ट कर सकें उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेश इन्फॉर्मेशन. आप इसे फ्रेश इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं एंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं. लेट्स वी टेक अ सिंपल एग्जाम्पल हेयर. अगर एक रिसर्चर ये रिसर्च करना चाहे कि कनकॉर्डिया कॉलेज के आईकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फर्स्ट ईयर में बी मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, वो क्या करेगा? खुद कॉलेज आएगा और आपसे एक फॉर्म पे सारा डाटा फिल करवा के जाएगा. उसमें हर स्टूडेंट अपने बी मैथ के मार्क्स लिखते जाएंगे. वो ये डाटा आपसे खुद लेके गया तो इसलिए इसको फ्रेश इन्फॉर्मेशन भी कहेंगे और इसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी कहेंगे, क्योंकि पहले कभी ना तो इस इन्फॉर्मेशन को किसी ने यूज किया और ना ही इसको कलेक्ट किया. तो इस तरह का जो डेटा होता है जो डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं सोर्स से उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा. फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा. द फर्स्ट इज पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की कि रिसर्चर ने आपका बी मैथ्स का डेटा जो है वो कलेक्ट करना है. इस एग्जाम्पल में रिसर्चर पर्सनली आपके पास आया और आपसे डेटा कलेक्ट करके लेके गया. जिसमें रिसर्चर खुद आए और डेटा पर्सनली कलेक्ट करके लेके जाए वो कौन सा सोर्स होता है? पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी पर्सनली तहकीक की जाती है. द सेकेंड इज थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स. इसमें ये होता है कि रिसर्चर खुद नहीं आता लेकिन वो अपने इन्वेस्टिगेटर्स को भेज देता है. वो आपके पास आते हैं और आपसे आपका डेटा कलेक्ट करके चले जाते हैं. वो आपसे आपका डेटा खुद कलेक्ट करने आते हैं तो ये कौन सा डेटा हुआ? प्राइमरी डेटा. एंड द नेक्स्ट इज थ्रू क्वेश्चनेयर. इसमें ये होता है इन्वेस्टिगेटर्स आपके पास आते हैं, वो एक फॉर्म लेके आते हैं जिसे क्वेश्चनेयर कहते हैं. उस क्वेश्चनेयर में डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपने इन्फॉर्मेशन उसमें अपनी पुट करनी होती है. सब क्वेश्चन को पढ़ के आपने उसका सूटेबल आंसर जो है वो लिखना होता है. एंड द नेक्स्ट इज थ्रू लोकल सोर्सेज. इसमें अब ये होता है रिसर्चर जो है वो खुद रिसर्च नहीं करता लेकिन लोकल कोई एजेंट हायर कर लेता है. वो एजेंट जो होते हैं आपके पास आते हैं और आपसे आपका डेटा जो है वो कलेक्ट करके चले जाते हैं. एंड द नेक्स्ट इज थ्रू टेलीफोन. इसमें ये होता है रिसर्चर आपसे टेलीफोन पे कॉन्टेक्ट करता है और आपसे आपका रेलिवेंट डेटा फोन पे ही ले लेता है. द नेक्स्ट इज थ्रू इंटरनेट. यानी इंटरनेट यूज करके भी आपसे प्राइमरी डेटा लिया जा सकता है. यानी रिसर्चर आपको मेल करेगा और आप उस मेल का आंसर जो है वो दे देंगे. इस तरह भी रिसर्चर के पास प्राइमरी डेटा जो है वो आ सकता है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज सेकेंडरी डेटा. इट कैन बी डिफाइंड एज द डेटा विच हैव बीन पास थ्रू सम स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट एट लीस्ट वंस. यानी ऐसा डेटा
जो बिल्कुल फ्रेश नहीं है, ऑलरेडी पहले किसी ने उस पर वर्किंग कर ली है, उस तरह का डेटा हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, आप इसे सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले ही किसी ने उस पर वर्किंग कर ली, तो अब आपके पास डेटा जो है वो फ्रेश नहीं रहा, फर्स्ट हैंड नहीं रहा, वो ऑलरेडी किसी ने पहले यूज किया है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। नाउ वी डिस्कस सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। द फर्स्ट इज गवर्नमेंट सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल द पब्लिकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डिवीजन, फेडरल एंड प्रोविजनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। आप यहाँ से भी सेकेंडरी डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज सेमी गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, म्यूनिसिपल कमेटीज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एक्सेट्रा। आप यहाँ से भी सेकेंडरी डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन। द नेक्स्ट इज न्यूज पेपर, आप न्यूज पेपर के थ्रू भी सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज इंटरनेट, आप इंटरनेट के थ्रू भी सेकेंडरी डेटा की कलेक्शन इजिली कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ऐसा डेटा जिसपे ऑलरेडी किसी ने वर्किंग कर ली है वो आपके पास सेकेंडरी डेटा और सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है, एंड ऐसा डेटा जिसपे कभी किसी ने कोई वर्किंग नहीं की, वो बिल्कुल फ्रेश इंफॉर्मेशन है, उसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा।